हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसको आप कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के। ठीक है, तो आज हम ये वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपनी जो वेबसाइट है उसको कन्वर्ट करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे जो गूगल पे सर्च करेंगे, जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो है AppGeyser। ठीक है, इस ऐप गीज़र यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करके देता है आपकी वेबसाइट में को कन्वर्ट करके। ठीक है, सो ऐप गीज़र पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं द फास्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ऐप क्रिएटर फॉर योर ऐप मेकिंग। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जो अपना ब्लॉग है, कोई भी वेबसाइट है या किसी भी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है अपने किसी भी वेबसाइट यूआरएल को एंड्रॉयड ऐप के अंदर, तो आप बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपकी जो है कोडिंग या किसी को आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तो आपका ये फ्री सिंपल क्रिएटर टूल है आपका, जो कि आप इससे मोनिटाइज भी कर सकते हो उसमें एड्स लगा के, और अगर आप चाहो तो आप इस जो ऐप क्रिएट होती है आपकी वो आप ऐप स्टोर में भी पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी इसमें इन कुछ फीचर दे रखे हैं आप कि जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो हम सिंपली इस पर जो सबसे पहले है लॉग इन करेंगे, यहाँ पे जो अपना अकाउंट है आपको क्रिएट भी करना है क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग इन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइन इन विद गूगल या फिर आप फेसबुक से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है फेसबुक से कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा तो आप क्रिएट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके जो डैशबोर्ड है ये आपका जो ओपन हो जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट ऐप नाउ। तो यहाँ पे जो हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिविजुअल है बिजनेस है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट क्रिएट किस लिए ऐप आपको जो है क्रिएट करनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के लिए आपको बनाना है, फ्री वीडियो कॉल चैट क्विज की कोई ऐप बनानी है, गाइड की बनानी है, फ़ोटो कीबोर्ड वॉलपेपर, तो आपको मल्टीपल फोटो एडिटर है, वेब ऐप है, तो बहुत सारे आपको यहाँ जो ऑप्शंस प्रोवाइड यहाँ पे देते हैं, जो टेम्पलेट्स इनकी होंगी वो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो हमें जो है वेबसाइट अगर अपनी क्रिएट करनी है तो वेबसाइट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट योर वेबसाइट इनटू मोबाइल ऐप। और यहाँ पे या तो आप अपनी बिजनेस वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई ब्लॉग है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कन्वर्ट करने के बाद जो आप जो एप्लीकेशन का लिंक होगा वो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे ही पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर में भी पब्लिश कर सकते हैं गूगल की। ठीक है, इस यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एंटर करना है अपना, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लॉग को एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं, इसमें जो हमारा ये ब्लॉग है हमें इसको कन्वर्ट करना है एप्लीकेशन में। आप कोई भी यूआरएल डाल सकते हैं, चाहे तो आप पूरा अपना जो वेबसाइट का यूआरएल creativehive.in वो भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूआरएल करना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और साथ में जो ये आपको प्रीव्यू का भी ऑप्शन देता है यहाँ पे, अगर आपको अपनी जो ऐप का प्रीव्यू देखना है कैसे दिखेगी आपकी ऐप, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस तो ये देख सकते हैं मोबाइल में जो है आपका ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इस तो इसके बाद जो हम बाकी इसमें चेक कर लेते हैं, अगर आपको जो अपने जो इसका जो फीड है ब्लॉग पोस्ट का उसका भी लिंक क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी एक बार इसमें और सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। एनेबल, अगर आप कोई भी आप चाहते हैं कि कोई भी न्यू आप पोस्ट डालें और वो डायरेक्टली पुश नोटिफिकेशन चले जाए यूज़र के फ़ोन पे, तो वो भी आप यहाँ से टिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी कलर आपको कोई चेंज करना है यहाँ पे भी वो ऑप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड होगा। ठीक है, इस तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा जो ब्लॉग टाइप है वो हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग है, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर ब्लॉगर पे आपने बनाया तो ब्लॉगर पे, टम्बलर या पिंटरेस्ट फीड का भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं।
और एक अगर ये जो जैसे वेबसाइट का तो आपने यूआरएल यहाँ पे डाला था वो यहाँ से क्रिएट हो गया था आपका, अगर आपको ये ब्लॉग टैब है वो अगर आपको यहाँ से हटाना है तो यहाँ से आप रिमूव टैब कर देंगे उसको, अगर सिर्फ साइट जो वेबसाइट आपको वो लोड करनी है तो। और अगर एक्शन बार आपको चाहिए कि नहीं, नो हमें या कोई ऊपर एक्शन बार अगर आपको इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे यस, अगर नहीं चाहिए तो नो, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऐप का नाम, एप्लीकेशन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, जो भी जिस बारे में आपकी एप्लीकेशन है वो रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया क्रिएटिव है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आइकन, आइकन या तो आपको डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पर्सनल कोई अपना आइकन है वो यूज़ करना है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे इसमें आइकन को, और जो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन का आइकन का वो 512x512 पिक्सल्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये है वैसे रेजोल्यूशन इसका वो है भी, तो क्रॉप कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, तो अभी आप बोलेगा आपको अब आपको क्रिएट करनी है क्या एप्लीकेशन, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्रिएट होने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है इसमें, तो इसको पहले एक बार क्रिएट होने देते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पे हमें नहीं अभी मेंशन करना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे आपका जो प्रोग्रेस है पूरा इसमें शो होता रहेगा, वो कितना डाउनलोड्स हुए, कितने उसके जो क्लिक्स हो रहे हैं आपके ऐप आप पे। पब्लिश करना तो आप यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और अगर आपको मोनेटाइज करना अपनी ऐप में ऐड शो करके तो वो भी आप मोनेटाइज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो डाउनलोड पे आ जाते हैं एक बार, डाउनलोड हम कैसे करना अपनी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे जो आपकी पहले ऐप है बिल्ड होगी पूरी, ठीक है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो कोड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा .apk फाइल में, और अगर आप चाहते हैं ये स्कैन कोड करके तो स्कैन कोड से आपका जो डाउनलोड करवाना चाहते हैं आपको तो यहाँ से भी हो सकता है, और आपको ये जो डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अगर डायरेक्ट लिंक आपको शेयर करना है किसी के साथ तो डायरेक्ट लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन रेडी, एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में भी जाके अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी पब्लिश कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको डायरेक्ट लिंक डालना अपनी वेबसाइट पे, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे कैसे आप इस ऐप को अपने डायरेक्ट वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, और प्रीव्यू आपने चेक कर लिया था कि वो कैसा प्रीव्यू उसका शो होगा, तो मोबाइल ऐप का जैसे इसमें प्रीव्यू शो होता है, जैसे मोबाइल वेबसाइट आपकी उसमें खुलती है मोबाइल में, तो वैसे ही आपका प्रीव्यू उसमें भी शो होता है, तो ऐसे ही सेम प्रीव्यू जब आप इसको अपने एप्लीकेशन को फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसा यहाँ पे अपने मोबाइल में प्रीव्यू शो होगा। ठीक है, इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।